ESPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंह। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं डिंपल यादव। जी हाँ, कैसे संभाल रही हैं, क्या कुछ कर रही है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि पहले जो वो एक आंख में चोली जो है वो खेला करती थी मीडिया से, आज वो खुल करके मीडिया के सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव की तरह अपने तेवर तल्ख करके जो है वो बातें रखती है। यहाँ पर अखिलेश यादव जो है कदम कदम पर डिंपल यादव का साथ देते हुए नजर आते हैं। इससे पहले हमने देखा राजनीति में वो थी, लेकिन इतनी सक्रिय नहीं थी। जब से वो मैनपुरी की सीट को जो है हासिल करने पर आई, उस दौरान से हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो एक अलग ही अंदाज में नजर आई। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर डिंपल यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया से मुखातिब, संसद में खड़े होकर के हंगामा मचाना और तमाम मैनपुरी की जनता के लिए इंसाफ मांगने की कहानी जो है वो उनके जुबा पर दिखाई देती है। और ये इस बात की ओर जो है वो साफ साफ तस्वीर कर रही है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो अब अपनी तरफ से इस बात को लेकर के साफ हो चुके हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सियासी खेमा जो था, जो सोच रहा था कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद आखिरकार पार्टी को कैसे बचाया जाएगा, उस जगह पर अखिलेश यादव भी अपने दोनों पैरों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं डिंपल यादव भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने से लेकर के बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने तक का काम डिंपल यादव इन दिनों खुल करके कर रही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए एक न्यूज चैनल ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आप मुलायम सिंह यादव की विरासत कैसे बचा रही हैं, कैसे संभालेंगी, आगे का एजेंडा आपका क्या रहेगा। तो उसके जवाब में डिंपल यादव कहती हुई नजर आई कि आने वाले समय में वो इसी जीत की तरह जो है आगे बढ़ेंगी और मुलायम सिंह यादव की इस विरासत को जो है आगे लेकर के जाएंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा समय गुजारा था सभी जनता के साथ में, सभी लोग उनसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन नम आंखों के साथ 2022 में जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ी, उनको आखिरी विदाई देनी पड़ी। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अब कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एक जो उनको चलाने वाले थे वो चले गए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। और अब देखा ये जा रहा है कि तस्वीर बिल्कुल पलट गई है। डिंपल यादव हो या अखिलेश यादव हो, दोनों के दोनों बेहद ही मजबूती के साथ जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और अपनी तरफ से जो है बल दिखा रहे हैं। बहरहाल नगर निकाय का चुनाव है, इस चुनाव में भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो है डिंपल यादव की ये कोशिश क्या मैनपुरी के साथ साथ जो है पूरे नगर निकाय चुनाव में भी उनका इसी तरीके से साथ देते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव को एक बड़ी जीत की ओर जो है डिंपल यादव ले जा पाएंगी या नहीं, क्या मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद डिंपल यादव जिस तरीके से एक पिलर के रूप में जो है अखिलेश यादव का साथ दे रही है, क्या ये साथ जो है रंग लेकर के आएगा या नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को सुनने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ESPN9 न्यूज़।